कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच खराब स्वास्थ्य सेवाओं के कारण भी लोगों की जान जा रही है। नया मामला मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ 17 अप्रैल को देर रात ऑक्सीजन की कमी के कारण 12 लोगों की मौत हो गई। यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इसके कारण गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन नहीं दिया जा सका और उनकी जान चली गई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहडोल मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद शिरालकर ने ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई इन 12 मौतों की पुष्टि की है। डीन ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते अब सिर्फ अति गंभीर मरीजों को ही ऑक्सीजन दी जा रही है। वहीं शहडोल के ADM अर्पित वर्मा ने इन मौतों के पीछे ऑक्सीजन की कमी को कारण मानने से इनकार कर दिया। मृतकों के परिजनों का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण मौतें हुई हैं। एक मृतक के परिजन ने बताया कि उन्होंने मरीज को खाना खिलाकर सुलाया था, उसके बाद सुबह पता चला कि मौत हो गई। गार्ड ने पूछने पर बताया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है, लेकिन शहडोल जिला प्रशासन लगातार से साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहडोल में हुई मौतों पर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है, अब शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से मौतों की बेहद दुखद खबर। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन में ऑक्सीजन की कमी से मौतें होने के बाद भी सरकार नहीं जानती। आखिर कब तक प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से यूं ही मौतें होती रहेंगी? वहीं शहडोल मामले पर शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है, फिर भी जांच के आदेश दिए गए हैं और कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन की कमी लगभग हर राज्य में हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी ऑक्सीजन की कमी की बात कही है। पटना के NMCH अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने ऑक्सीजन की कमी के कारण खुद को पदमुक्त करने की गुहार लगाई है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।